हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष सुरू, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी जो है हम जो है पटना से सीधे लाइव है, आपका टीसीएस एवं डिजिटल के सामने से है। तो आज आपका 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग जो है पूरा एक्सपीरियंस इनसे डिस्कस करेंगे, कैसा कि आपका एग्जाम कैसा एक्सपीरियंस रहा अंदर में। एग्जाम तो ठीक ठाक था ओवरऑल, मतलब बट थोड़ा सा कीपैड में थोड़ी सी दिक्कत थी, उसमें धूल वगैरह था तो थोड़ा सा वो हार्ड था कीबोर्ड, है ना। अच्छा, कीपैड में क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था? मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ था, इसके कारण धूल वगैरह मिट्टी होने के कारण उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मतलब स्मूथ नहीं थी, हार्ड टाइपिंग थी थोड़ी सी। हार्ड टाइपिंग, हाँ। बाकी ऑल द वे पैराग्राफ आसान था, पैराग्राफ हुआ जी, बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं था। बाकी आपके रुकिएगा, कैसा गया आपका? अच्छा था, ठीक था। हाँ, मतलब कैसा लगा, मतलब क्या लगा आपको अंदर देखा? टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही था जो पहले जैसा था। पहले जैसा वर्ड में कुछ ऐसा नहीं, वर्ड सही। और क्या एनटीपीसी का तो आपका टाइपिंग ग्रुप डी का ही फॉर्म भरे हैं क्या? नहीं, ग्रुप डी का नहीं भरे। तो अंदर में तो कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं लगा? जैसे आप प्रैक्टिस, आपका स्पीड कितना था पहले? मेरा 35-38 ऐसा चलता था। यहाँ ठीक था, यहाँ मैंने सही किया, वो इजी थे जैसे पहले थे वैसे ही थे। थोड़ा सा लवली कर लीजिए। ओके, जैसे पहले ही थे ना वैसे ही पैराग्राफ इजी थे, कोई ऐसा नहीं था कि टफ था, कुछ नहीं डालो ना, सही था, इजी थे ना। हाँ, अच्छा, ओवरऑल मतलब ठीक ही गया आपका हिसाब से। तो कोई अंदर में कोई खास दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, जैसे कि उन भैया को जो है दिक्कत हुआ, थोड़ा सा जो कीबोर्ड है वो पुराना दिया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से दिया हुआ है। नहीं, मेरा सही। आप अंदर आइए, ठीक है ना? ओके मैम, धन्यवाद मैम। आपका कैसा गया एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो सर अच्छा रहा, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी नहीं था मेरा। अच्छा, हम आपका यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते सर। अच्छा, यूट्यूब पे देखते हैं। बहुत आपको हम हमेशा फॉलो करते हैं, आपका डिस्कशन हो या कोई चैप्टर डालते हैं, उमंग स्टडी पे डालते हैं, वहाँ भी देखते हैं सर। वहाँ भी देखते हैं। टाइपिंग ओवरऑल अच्छा रहा, लेकिन एक्यूरेसी न रहने की वजह से टाइपिंग मेरा बेकार चला गया। हाँ, रिजल्ट नहीं होगा सर। कोई बात नहीं है, ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं क्या? हाँ भरे, एग्जाम हो गया। एग्जाम हो गया सर। एग्जाम हो गया। हाँ, ग्रुप डी का कैसा गया? ग्रुप डी का बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया। यस। कौन सा जोन था ग्रुप डी का आपका? मेरा अहमदाबाद जोन था, कानपुर में एग्जाम दिया हुआ था। कानपुर में? यस सर। कितना अटेम्प्ट लिया है ग्रुप डी में? सर 100 अटेम्प्ट लिया। 100 का 100 मार दिया सर। अब तो पक्का इस बार ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा सर, भरोसा तो है कि हो जाना चाहिए, होना भी चाहिए। क्लासेस कैसा लगा था? आप हमको पहले फॉलो करते थे? सर हमेशा फॉलो करते सर। आप ही हैं जो एनटीपीसी के लिए सर बहुत आंदोलन किए थे, आप ही सर हम लोग इनिशिएट किए थे कि हम लोग ट्विटर पर कैंपेन करें, और आपको सर हमेशा से फॉलो करते आए हैं। आपका मनीष नाम है ना? दिल खुश कर दिया आपने सर। यस सर। सर बहुत सारा संघर्ष हम लोग के लिए किए हैं सर। अच्छा अच्छा। आपका चैनल सर ग्रो करना चाहिए, बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा। यस सर। क्या कौन सा नाम है चैनल का? एमजी मनीष। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। एमजी मनीष तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन आपका चेहरा नहीं पहचान रहा। वो दरोगा के समय में आप साइट चलाते थे? हाँ जी, हाँ चलाते थे। एनटीपीसी के समय भी थे, ग्रुप डी के समय भी। फिर हम जानते हैं, आपका देखते हैं डिस्कशन, हम अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। आप उमंग स्टडी का भी सर, तो क्वेश्चन बताना है ना कुछ? क्वेश्चन था एक्सपीरियंस कैसा था, जैसे किसी को दिक्कत हुआ, थोड़ा पुराना कीबोर्ड जो है, पुराना कीबोर्ड दिया? ना ना, बढ़िया था। कीबोर्ड का समस्या था, कीबोर्ड में प्रॉब्लम होने पर चेंज कर दे रहा था, रोटेट करता था, आगे की ओर खसक रहा था, मारने पे कीबोर्ड ना आगे की ओर खसक रहा था, मैंने वो फिक्स नहीं हो रहा था। इसके लिए उसे भी दिक्कत हो रहा था। जैसे पिछला रद्द हुआ उसी का सिर्फ पेपर है, एक सिर्फ कैंसिल हुआ था पिछला बार, टेक्निकल इशू के वजह से, तो उसी का है, तो पिछला बार दिए थे। लेकिन पिछला बार में क्या था कि फॉन्ट का साइज बड़ा बड़ा था, इस बार फॉन्ट का साइज छोटा छोटा है। ग्रुप डी का आप लोग एग्जाम दिए हैं क्या? दिए हैं। बढ़िया गया है, 93 अटेम्प्ट लिए हैं। सिलेक्शन उम्मीद तो है सर, होना भी चाहिए। आप दिया ग्रुप डी का एग्जाम? टाइपिंग है ना सर, कुछ है ये, मतलब कि लोगों को नंबर तंबर नहीं था, नंबर था सिर्फ, है उसमें बढ़िया गया आपका। सर 2800 की स्ट्रोक है, 2800 की स्ट्रोक आपका? 2800 की स्ट्रोक की स्ट्रोक मारे हैं हमारे, 2800 मतलब सब नॉर्मली 2100 बता रहे थे, मेरे 2800 हो गए। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा गया टाइपिंग। हाँ, स्पीड था, इलाहाबाद। आप कितना मारे? हम 2500 मारे हैं। आप 2500 मारे? कौन कौन? आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे? नहीं दिया है एग्जाम। अच्छा, नहीं दिया है। तैयारी कैसा है? मस्त है, मस्त है। हाँ, आपका कब है? 29 तारीख को। 29 को है। तैयारी से चल रहा है ना? तैयारी एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। हाँ, चलिए, इसमें कैसे भी सिलेक्शन लेना है इस बार। हाँ, जो चूक जाएगा नहीं होगा तब कहिया होगा नौकरी, 1,00,000 में नहीं होता कहिया नौकरी होगा, बताइए। पिछले बार से जो भी एग्जाम हुआ, जो भी टाइपिंग का था, उस समय कीबोर्ड का इशू बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार देखिए कीबोर्ड का इशू था लेकिन बहुत ही थोड़ा सा कुछ कम था, और जो पहले सेंटेंस था वो पिछले बार से कुछ खास अंतर नहीं था, सेम टू सेम था, और एग्जाम खैर बहुत अच्छा गया, उसके लिए सोचना नहीं। थोड़ा सा अभी भी हमें लगता है और भी और भी सुधार करना। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें सुधार होना चाहिए, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो कीबोर्ड पुराना रख दिया गया, जिसमें गर्दा भरा हुआ, हम लोग पटक कर उसको साफ किए, फिर भी बहुत सारा कीबोर्ड जो बटन होता है वो फंस रहा था, बहुत ज्यादा फंस रहा था, फिर भी किसी तरह फंसने के बाद चेंज कर दे रहा था। आप अगर इशू कर रहे हैं तो बात वो नहीं है, देखिए हम स्टूडेंट के हिसाब से बोल रहे हैं, आप एक एग्जाम देने ऊपर से टाइपिंग, आपका कंसंट्रेट लेवल बढ़ा रहता है, अब एक बार फंस जाइएगा ना तो टाइपिंग और आपका स्टेनोग्राफर, ये ऐसा चीज है ना, सकते हैं कि सेंटर पे जब आए तो वो ऑलरेडी चेक करके रखे ताकि अगला लड़का को दिक्कत ना हो, ये कर सकते हैं।
दिक्कत हो या ना हो, लेकिन बोर्ड को ये चाहिए था पहले से कि सेंटर पर जो कीबोर्ड हम रखे हुए वो सही है या नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देने के लिए गए तो देख रहे हैं कि 10 मिनट पहले सबको कीबोर्ड को साफ किया गया, उसके बाद बदला गया, इससे बहुत सारी बच्चों को परेशानी हुई। ये तो मैं जरूर कहूँगा, ये बोर्ड को एकदम खुली चेतावनी कह सकते हैं कि इस चीज़ की चेतावनी दूंगा कि आप फिलहाल जो भी एग्जाम ले रहे हैं उसको सही तरीके से कंडक्ट करिए कि बच्चों को भी आसानी हो। ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा। मॉक टेस्ट बुक से देते हैं आप लोग क्या? हाँ, मॉक टेस्ट बुक से हमेशा टेस्ट बुक का ही यूज करते हैं ना। जरा से एक मिनट रुकिएगा, आप लोग भी अगर टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग ये बता दें कि आपके सामने दिखाई दे रहा है अभी आपका ऑफर चल रहा है, मात्र 400 रुपया में एक साल का टेस्ट बुक का पास है। इसमें आपको कोड लगाना है कैपिटल MGM, कोड को ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कूपन कोड है, आपको 100 रुपया का ऑफ मिलेगा अगर आप आज लेते हैं तो। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप ले सकते हैं। कोई भी आपका भाई बहन हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो टेस्ट बुक का पास आप ले सकते हैं, कोड लगाना है आपको कैपिटल MGM। ठीक है, अब बताइए जरा से क्या कहना चाहते हैं ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। हाँ, ग्रुप डी का एग्जाम तो मैंने 17 तारीख का नहीं 18 तारीख फर्स्ट पेज में एग्जाम दे दिया था, और उस समय क्वेश्चन का लेवल तो कुछ खास नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, जिसमें बच्चे मान के चलिए कि 60 से 70 आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद भले ही बच्चों को थोड़ा परेशानी हो किसी भी तरह का, लेकिन हाँ थोड़ा सा करेंट अफेयर थोड़ा हाई लेवल का था, जिसमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, मेरे को भी हुई थी। हाँ, करेंट अफेयर में हाँ मेरा हो गया है, और मैंने लगभग मैंने अटेम्प्ट लिया है 96 अटेम्प्ट लिया है उसमें। जिस आगे क्या कहना चाहते हैं बताइए, मतलब जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का एग्जाम है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, जो आपने तैयारी किया है बस उसी से आ रही है, उससे सिलेबस से हटकर नहीं आ रही है, थोड़ा सा करेंट अफेयर पे बस ध्यान देना है और कुछ नहीं। जो भी है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रही है, एक दो क्वेश्चन भले ही हिस्ट्री से आ रही है, बाकी जितना भी है साइंस से आ रही है, मैथ से आ रही है बस। एक बात हम कहना ये चाहेंगे कि भैया बोल रहे थे रेलवे को ब्लेम कर रहे थे, मैंने कोई व्यवस्था में व्यवस्था 100% स्टूडेंट के लिए सुटेबल था, हम लोग बोले तो कीबोर्ड भी चेंज किए सर, ऐसा हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कुछ था, जैसे हम रेलवे को कुछ कहें सारा मैंने जो भी फैसिलिटी चाहिए हमको दिया, कीबोर्ड भी चेंज किया, जो आया था पैराग्राफ वो भी बहुत ईजी था, अगर कोई आराम से स्लोली मारा होगा ना 30 के स्पीड से भी तो मार दिया होगा उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई बहुत फास्ट मारा है वह फंसेगा। अगर ईरर आप कंट्रोल किए हैं तो 100% मारिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात क्या, हम यही कहना है, हम क्या पूछिए क्वेश्चन पूछिए ना, जो फास्ट मारा हो तो अच्छा से मारा। आपने रेलवे बोर्ड को मैं यही, यहाँ का व्यवस्था ठीक था, थोड़ा सा आगे पीछे होता है हर जगह, उसको मैनेज किया जाता है, लेकिन रेलवे को ये चाहिए था कि जो कीबोर्ड दिए हुए थे उसको पहले से सुधार करना चाहिए था, ऐसा नहीं था कि कीबोर्ड सबका एक तरह का था। कीबोर्ड को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को चाहिए था कि यहाँ भी जितना भी सेंटर है जितना भी सिस्टम है उस पर नया कीबोर्ड रख दे, वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक गलत हुआ है कीबोर्ड की वजह से, दो गलत हुआ है, मतलब कि जब फंस रहा था जैसे एक दो वर्ड जैसे क्लिक करते थे तो स्पेस दब देते थे तो फिर दिक्कत हो जाता था कीबोर्ड को, मतलब कि जो हम लोग पैराग्राफ मार रहे थे ना तो टाइप कर रहे थे पहले स्क्रीन पर, बाद में आ रहा जैसे लाइटनिंग आता ना पहले प्रकाश, अब आज बाद में सुनाई देता, उसी वजह से लाइट चमकता है उसके बाद आता आवाज। उसी तरह मेरे हम जो हम लैब नंबर 7 में थे उसमें ऐसा घटना हो रहा था, कीबोर्ड बहुत 5 स्टार था, कीबोर्ड का कोई कमी नहीं था, अच्छा गया टाइपिंग, अब सब पास हो जाए भगवान का। चलिए आप जब एक बात पूछे थे हम पूछ देते हैं, ऐसे हम साइंस भी पढ़ाते हैं, शायद कुछ लोग जानते होंगे। जी जी, साइंस में मनीष सर नाम है आपका, आप जो कह दिए ना तो हम आपसे पूछ दिए कि जैसे कि आप बोले कि लाइट पहले आता है तो काहे आता है बताइए, आवाज बाद में काहे आता है? उसका स्पीड ज्यादा है साउंड के अपेक्षा लाइट का। कितना स्पीड है? 3×10^8 है। बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर आप लोग से काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कहना चाहते हैं कि आगे के लिए जो है क्लासेस आपका जो है लगातार, आज आपको जो भी ग्रुप डी का स्टूडेंट है तो आज आपका पीरियोडिक टेबल का 8:30 हम लोग इसी चैनल पे लाइव करेंगे, 50 क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, और आपका NCERT जो है बेस्ट रहेगा, और लगभग 50 क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो 100 के करीब हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पिछला बार से बढ़िया लिया सर, ठीक है ना? हाँ, पिछला बार से बढ़िया, ठीक है ना सर? हाँ, इस साल बढ़िया गया जी। पिछला बार था जो मतलब कि प्रॉब्लम था किस्मत में कि बर्ड में जो थोड़ा सा छोटा में कह लिया था, इसमें थोड़ा सा बड़ा किया हुआ, स्क्रीन भी बड़ा है था, ठीक ना? और इसमें लिखने में अभी मतलब कि बर्ड भी ठीक ठाक दिया था जो भी था जी। कहाँ से आपका घर कहाँ है? हम लोग गया क्षेत्र से। अच्छा, पहचान रहे हैं पहले से? यस सर, बिल्कुल पहचान रहे हैं। MG मनीष गुरु, आज हम लोग साइंस आपको वीडियो देखते रहते हैं, जितना भी जो लोड करते हैं देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। साइंस अभी मेरा ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ, ग्रुप डी को होने वाला मतलब कि सेंट्रल मुंबई में है मेरा। सेंट्रल मुंबई, हाँ। आज पीरियोडिक टेबल का ऐसे हम कल ही कह दिए थे, लेकिन हम तो थे धन्यवाद, अभी हम आए हैं पटना, कल हम थे धन्यवाद, आज ही सुबह पटना आए हैं।
हम सोच रहे हैं कि सर धनबाद में एग्जाम देते सेंटर ग्रुप डी तो बढ़िया रहा, उमंग स्टडी सर से मिल के आएंगे भी, बात भी करवा देंगे। हाँ सर, हम कुछ जरूरी काम भी है, उनसे कुछ बात भी करना है। मतलब मेरा भी चैनल है, उमंग सर पे भी पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रुप डी का या फिर रेलवे का हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेगा, और वीडियो को जरा सा शेयर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा। धनबाद में कहाँ पर मिलेगा सर? धनबाद में मिल जाएगा। धनबाद में आपको जरा से बताइए क्या करना चाहते हैं आगे, सपोर्ट और शेयर के आगे सपोर्ट के मतलब कि चैनल के बारे में। चैनल के बारे में आप साइंस सर पढ़ाते हैं और बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, आप देख सकते हैं इनका वीडियो एमजी मनीष गुरु साइंस सर्च करिए, और इनका जो मतलब कि पीडीएफ जो आप डाल रहे हैं सर उनसे मिल रहा है सर, लड़का हम लोग भी देखे हैं कि सर आप बोल रहे थे कि पीडीएफ से मिल रहा तो मिल रहा है क्वेश्चन, ठीक ना? मतलब कि 80% क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक ना? आपको तो सेम ही मिल रहा है। हाँ, पैटर्न मिल रहा है उससे, ठीक ना? ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, उसमें से 80% मिल रहा है। बहुत बहुत देखिए, और आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कुछ रही है। और सर ठीक है? ठीक है सर, एग्जाम था अभी। हाँ यह सब अच्छा गया। चलिए, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया? हाँ हो गया। कैसा गया? वो भी ठीक है गया, उसमें रीजनिंग थोड़ा टाइम लेवल मैंने सेटिंग था, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, जैसे 4-5 क्वेश्चन था उसमें से मैंने 2-3 बनाए थे, 3 छूट गया था टाइम की वजह से। और दीजिए अच्छा से टाइपिंग अच्छा गया ना? हाँ टाइपिंग तो अच्छा गया मेरे अनुसार, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में, और आज रात में 8:30 बजे लाइव मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के साथ। 8:30 बजे लाइव सभी को आइएगा। धन्यवाद सभी को।